जेतेबेले अन्य राष्ट्रपति माने पूर्वरु मध्य आसीछंती पुरी गस्त करंती एवं प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करंती सेतेबेलेर परिवेश माहौल कथा जदि कहिबा आ वर्तमान कारण ये होछंती आम ओडिया झियो ओडिसार झियो एवं खास करी जेहेतु ओडिया जणे अनेक आमर संस्कृति परंपरा विषय निश्चित भावरे अवगत आकु नहीं आज जी देखा प्रथम थर पर राष्ट्रपति हेपर से ओडिशा आसुच्चंती प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करेंगे आउ टे अधिक किसी झलक देखापी मिलूब जमी कि गोटे पर जमी गोटे महोत्सव चलला भली कि मन हो निहाती भाव में चिन्मय जो कथा कहले जेहेतु पूर्वर मध्य जितेबले अन्य राष्ट्रपति मैंने ओडिशा गस्तर आसी था मैंने राष्ट्रपति भाव आसलापर से भी ओडिशावासी उत्साहित था कि जेहेतु द्रौपदी मुर्मू होड़शार झील एवं से आज देशर सर्वोच्च सांवैधानिक पदवी से रही राष्ट्रपति भाव से निर्वाचित होती वर्तमान राष्ट्रपति दायित्व अच्छा तेणु यही जो उत्साह और आनंद यह बर्तमान द्विगुणित हो कारण राष्ट्रपति तो आसुच्चा सहित ओडिशा मटीर झील राष्ट्रपति भाव दायित्व ग्रहण कर दुईटी खुशी बर्तमान समस्त मनरे से सरकारी अधिकारी हूँ पुलिस कर्मी हूँ ओडिशार साधारण नागरिक हूँ निजे मुख्यमंत्री हूँ राज्यपाल हूँ केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हूँ समस्ते समस्ते आज गर्वरे उत्साहित अच्छा समस्ते आज गौरवान्वित मन करे आम ओडिशा माटीर झील आज राष्ट्रपति भाव भारतर राष्ट्रपति भाव देशर विश्वर सबुठ बड़ गणतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्र भारतर राष्ट्रपति भाव से दायित्व नहीं स्वागत कराशार से निज माटी को आसुच्ची स्वागत करा हुए तो निज घर को कहीं गले स्वागत कराए किंतु एठी गोटे सांविधानिक दायित्वर कथा आसुची जड़े जितेबले देशर सर्वोच्च पदवी में रही भारतर प्रथम नागरिक सीए तेणु तांकु जो ढंग से जो सम्मान सह स्वागत करा कथा ताहा सेथिरे तिणे हेले उणा करा जाऊ नाही तांकु एठी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइछि खोद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यपाल मुख्य शासन सचिव उन्नयन कमिश्नर पुलिस डीजी समस्ते जे भी ओडिशार सर्वोच्च पदवी में रही समस्ते एठी उपस्थित अछंती एवं उपस्थित थिले एवं राष्ट्रपति को स्वागत कले तांकु एठी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गला जेहेतु राष्ट्रपति राष्ट्रपति भाव द्रौपदी मुर्मू दायित्व नालापर यह ओडिशा को प्रथम गस्त आग को आहरी हे तो आहरी आग को मानने विभिन्न समय ऊर्जा गस्त करती कितु जेहेतु प्रथम थर करी राष्ट्रपति ये आसुच्चे निश्चित भाव में समस्त मन उत्साह आज पूरीवासी मान बोली पूरीवासी आज गौरवान्वित अनुभव करेंगे